फैसल भाई छोटा सा एक मैसेज दीजिएगा कि आप माशाल्लाह यहाँ हैं, बेटा है कराची का, माओ के सर पे हाथ रखते हैं, छोटा सा मैसेज दीजिएगा। अब मैं चादरें भी मैं आउज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं नुमान साहब और इनकी जो टीम है बिनते फातिमा फाउंडेशन, उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज इस बाबरकत तकरीब का एहतमाम किया। ये बाबरकत तकरीब इसलिए भी है कि एक तो ये महफिल नात है और यहाँ हमारी माएँ मौजूद हैं। माओं की अजमत को सलाम। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि जी सबसे ज़्यादा दर्जा किसका होता है, तो उन्होंने फरमाया माँ का। उसके बाद उनसे फिर पूछा गया, उन्होंने फरमाया फिर माँ का। फिर तीसरी दफ़ा पूछा गया, उन्होंने फरमाया फिर माँ का। उसके बाद चौथी दफ़ा उन्होंने बताया कि ये बाप का दर्जा होता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह से किसी ने पूछा कि जी कब्र का हाल एक बंदे का, वो पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस इंसान को कब्र का अजाब हो रहा है और आग में ये बंदा दहक रहा है, तो उन्होंने उसकी वजह पूछी, तो उन्होंने कहा कि ये अपना माँ का नाफरमान था। तो मैं समझता हूँ कि हमें माओं की अजमत को सलाम करना चाहिए और जो इन्होंने इनकी खिदमात हैं अपने बच्चों के लिए, और मैं समझता हूँ जिस तरह के ये काम नुमान साहब कर रहे हैं, सॉरी असद साहब कर रहे हैं, तो ये इनकी अजमत को भी सलाम है कि ये इतने अपनी एक खिदमत को आगे लेके चल रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं इनके शाना बशाना हूँ, जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं इनके साथ होऊंगा। और मैं उन माओ से भी रिक्वेस्ट करूँगा आज कल जो 10 माएँ उम्रे पे जा रही हैं कि वो अपने इस बेटे को भी अपनी दुआओं में शामिल रखें। आपका बहुत शुक्रिया। This is Pakistan Observer. Visit our YouTube channel for more informative videos. Thank you.